Yeah, good morning all of you. Today I'll explain Unit 2 Fundamental of Computer, Session 7, performing basic file operation like managing file and folder, rename a file name, delete a file name, cut, copy and paste a file, create a new folder, rename a folder, delete a folder, cut, copy, paste a folder, and last topic hai aapka properties of a file or folder. Okay. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन कि सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा फाइल और फोल्डर किसे कहते हैं. फोल्डर हमारा येलो कलर का होता है जिससे हम लोग अपनी फाइल्स को रखते हैं. ठीक है, तो फाइल को रखने का प्लेस फोल्डर है और फोल्डर येलो कलर का होता है. ठीक है, फाइल में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करते हैं. अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, तो आप बताओगे कि फाइल में हमारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और इस फाइल को रखने का प्लेस कहाँ होता है, फोल्डर होता है. जिस प्रकार हमारे पास एक बैग होता है, बैग में हम लोग कॉपी किताब रखते हैं, तो कॉपी हमारी फाइल हो गई और बैग हमारा फोल्डर हो गया. ठीक है, ओके. अब हम पहचानेंगे कैसे उसको, तो पहचानने के लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं. पहचानने के लिए इसको आप मिनिमाइज करिए और मिनिमाइज करने के बाद इसको आप ये देखिए, ये जो जितने भी आइकन बने हुए हैं ये सब हमारी क्या है, फाइल है. और ये जो येलो कलर का है, ये येलो कलर का है, ये सब क्या है, हमारे फोल्डर है. ठीक, ये फोल्डर है. तो ये रहा हमारा फाइल एंड फोल्डर. ठीक, अब इस फाइल में बनाते कैसे हैं. सबसे पहली चीज़ हमारा फाइल क्या है कि फाइल बनाएंगे तभी तो उसका नाम रीनेम करेंगे ना. तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ. न्यू पे यहाँ पर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर नाम दे देना टेस्ट. ये क्या हो गया, दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट अ फाइल. अब सेकेंड पर्टिकल जो हमारा बनता है वो बनता है कि रीनेम अ फाइल नेम. इस फाइल पे राइट क्लिक करो जिसका नाम आपको चेंज करना है और चॉइस करिए रीनेम. और रीनेम में जा करके यहाँ पर आप लिख दीजिए क्लास 9. ओके, पहले इस फाइल का नाम टेक्स्ट था, अब इसका नाम क्लास 9 हो गया. तो ये प्रोसेस है रीनेम करने का. मैंने कैसे रीनेम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज रीनेम और यहाँ पर आपका ये फाइल का नाम चेंज हो जाएगा और प्रेस एंटर की. अब उसके बाद जो मुझे बताना है, रीनेम बता दिया मैंने, डिलीट ए फाइल नेम. अगर हमको फाइल को डिलीट करना है तो इस पर आप राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट, यहाँ पर आप डिलीट कर दो और देखिए आपके सामने से ये क्लास 9 नाम का फाइल डिलीट हो गया. ठीक, और ये रहा डिलीट करने का तरीका. और कॉपी एंड पेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊँ, ये फाइल ये है. ठीक, इस पर आप राइट क्लिक करो, तो यहाँ से देखो कॉपी मिल गया, कॉपी कर लो और फिर सौरभ नाम का फोल्डर ओपन करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट हो गया. अब आप ये देखिए कि ये फाइल आर के टेन टेबल यहाँ भी है और आर के टेन टेबल यहाँ भी है. इसका मतलब कि कॉपी का मतलब क्या कि एक प्लेस प्रीवियस लोकेशन में भी अवेलेबल रहेगी और न्यू लोकेशन में भी अवेलेबल रहेगी. और कट पेस्ट का मतलब होता है कि ये अपनी पुरानी पोजीशन से डिलीट हो जाए और नए पोजीशन पे आ जाए जहां आप चाहते हो. चलो मैं ये भी करके दिखाता हूँ. इस पर आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर एक कट ऑप्शन लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ, कट, इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर ला करके राइट क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए. अब देखिए क्या हुआ, डेस्कटॉप से वो चीज़ हट करके ये आ गई सौरभ नाम के फोल्डर के अंदर. तो इसे हम कहते हैं कट और पेस्ट. तो आई होप ये कट कॉपी करना और पेस्ट करना समझ में आ गया. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कट की डिफिनेशन क्या है, पेस्ट की डिफिनेशन क्या है, कॉपी की डिफिनेशन क्या है, तो सारे बच्चों की चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जब हम एक कॉपी करके दूसरी जगह लाते हैं तो फाइल हमारी दोनों प्लेस पे रहती है. दिस इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट.
अगर हमारी फाइल पहले पोजीशन से कट जाती है और नए पोजीशन पे आ जाती है वो कहलाती है कट एंड पेस्ट। डिफरेंस ये होता है कि कट करने पर हमारी फाइल पुराने प्लेस पे नहीं रहती है और कॉपी करने पर दोनों प्लेस पे फाइल रहती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। फिर आता है कि हम फोल्डर कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब फोल्डर बनाने का तरीका देखो, राइट क्लिक करो, ठीक, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाओ, न्यू पे आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा फोल्डर। इस फोल्डर का नाम दे दो, जैसे हमें यहाँ पर दे दिया मैंने मूवीज, ठीक है, तो ये हमारा मूवीज नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। एक मिनट, अरे नहीं यार, क्या नाम है, उससे बात कर लो ना, वो क्या कहते हैं। हाँ हाँ ठीक, देखिए अभी तक आपको मैंने क्या बता दिया कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, और फोल्डर बनाने के बाद सेम वही प्रोसीजर कि अगर हमें इस फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे और रीनेम पे क्लिक कर देंगे, रीनेम कर देंगे और यहाँ पे नाम रख देंगे स्टडी स्टडी मटेरियल। ये हो गया रीनेम। और इसी चीज़ को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करो, यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। अगर आप कट करना चाहते हो तो यहाँ से कट कर लो और कट करके आप यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दो, तो ये आपका पेस्ट हो गया। देखिए आप इसको कैसे से हट के यहाँ पर आ गया, और ये चीज़ अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते, कॉपी और देन पेस्ट, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बोथ प्लेस पे रहेगा। बस अब तो लास्ट चीज़ बतानी है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसकी साइज़ देखनी है कि साइज़ क्या है क्या नहीं है। तो करना होगा इस फाइल पे राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसकी साइज़ कितनी है, 13.9 KB, जिसके अंदर 14,239 बाइट्स लिखे गए हैं, ठीक है। और लोकेशन क्या है, सी ड्राइव पे, यूजर्स होम, डेस्कटॉप, सौरभ, ये इस लोकेशन पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, ठीक। और इस फाइल का नाम क्या है, आर के टाइमटेबल, आप चेंज कर सकते हो। ये भी बताया गया है कि ये बना कब है, टुडे 3 जून 12 मिनट पहले, ठीक है। और मॉडिफाइड कब किया गया है, मई 26, और एक्सेस टाइम कब है, 26 जून। 26 जून को ये बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए जैसे इसने आज का डेट यहाँ पर दिया हुआ है, टुडे। ओके, यहाँ पर हिडन करने का ऑप्शन है, हम फाइल को हिडन भी कर सकते हैं। हिडन करने से हमको ये फाइल दोबारा शो नहीं होगी। ओके, आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कमेंट करिएगा, ठीक है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और आगे की चीज़ें हम आपको अगले की वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।